नमस्कार, मैं अमीषा चौहान और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। 8 सितंबर, 8 सितंबर के दिन क्या कुछ खास हुआ, इसके इतिहास के पन्नों से आपको क्या सीख मिलती है और इतिहास क्या सिखाएगा आपको, आइए जानते हैं। 1962, 8 सितंबर 1962 को चीन ने भारत के पूर्वी सीमा में घुसपैठ कर दिया था। 1966 में 8 सितंबर 1966 लोगों की पढ़ाई के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए यूनेस्को में साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। 1967 में आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने चलाई, जो सबसे पहली केंद्र सरकार जिसकी चली थी, उसने लोकसभा के चुनाव में हार का सामना किया था। ये कहें कि भारत में पहली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ और जिसमें हार हुई थी जिस पार्टी की, वो पहली बार 1967 में 8 सितंबर के दिन ही हुई थी। 8 सितंबर 1967 में ही पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने समूह की स्थापना की गई थी, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड के बीच आयोजित की गई थी बैठक। 1988, जो यहाँ 8 सितंबर 1988, अफगानिस्तान में 9 सालों के युद्ध के बाद रूसी सेना ने वापसी की शुरुआत कर दी थी 1966 8 सितंबर के दिन ही। 2000 में भारतीय प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी में भाषण देते हुए पाकिस्तान को लताड़ा था, आज के दिन ही सन 2000 में हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संपूर्ण राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी भाषण देते हुए पाकिस्तान को जवाब देने का प्रयास किया गया। 2002 में नेपाल में माओवादियों ने 119 पुलिस कर्मियों को मार डाला था। 8 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेवार गांव में बम के धमाके हुए थे। जी हाँ, आज के दिन बहुत सी अच्छी घटनाएं हुई थी, लेकिन उसके साथ ही महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेवार में बम धमाके के साथ कई लोगों की मृत्यु जो हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं देश को एक बुरी सीख मिली, बुरे हालातों का सामना करना पड़ा। और नेपाल के माओवादियों ने जो 119 पुलिस कर्मियों को मार डाला था, वो भी एक बहुत दर्दनाक घटना है, क्योंकि इस दिन हमारे देश में ये कहें कि ये भी विश्व के लिए एक सीख का विषय है और एक मर्म का विषय है। देखते रहिए तरंग 24 न्यूज़। मैं अमीषा चौहान, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।